दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आप सबको पता है कि हम अपने चैनल पे आप सबके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले जीके एंड जीएस की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि हम अपने चैनल पे यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले जीके एंड जीएस की कंप्लीट तैयारी को लेकर के चल रहे हैं। हम आपके इंडियन हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हो सक रहे हैं उन सभी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है निम्न जाति जनजाति मजदूर तथा किसान आंदोलन। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। फर्स्ट ऑप्शन स्वामी सहजानंद, सेकंड ऑप्शन इंदुलाल याज्ञिक, थर्ड ऑप्शन एनजी रंगायन, फोर्थ ऑप्शन पीसी जोशी। तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोहों में किसको बंकिम चंद चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। फर्स्ट ऑप्शन भील विद्रोह, सेकंड ऑप्शन रंगपुर तथा दीनपुर विद्रोह, थर्ड ऑप्शन विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह एंड फोर्थ सन्यासी विद्रोह। तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो अपने उपन्यास में आनंद मठ में इसका उल्लेख किया था वह विद्रोह दोस्तों सन्यासी विद्रोह था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। मुंडा, बिरसा, संथाल, कान्हू, अहोम, गोमधर, कुंवर, नायक, ताना, भगत। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है यही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में घटनाएँ हैं, सूची सेकंड में तिथियाँ हैं। बैरकपुर विद्रोह, बहरामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह एंड वेल्लोर विद्रोह। तो दोस्तों बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में। कब हुआ था दोस्तों? नवंबर 1824 में हुआ था। और बहरामपुर विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? आपका बहरामपुर विद्रोह हुआ था दोस्तों आप कब हुआ था? फरवरी 1857 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? नहीं दोस्तों कब, हाँ फरवरी 1857 में बहरामपुर विद्रोह हुआ था। एंड दोस्तों संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य हुआ था। और वेल्लोर विद्रोह जो है वो जुलाई 1806 में हुआ था। यानी ए का क्या हो गया दोस्तों? ए का दो हो गया, बी का चार, सी का तीन एंड डी का एक। तो ये क्रम आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? दो का चार, सॉरी ए का दो, बी का चार, सी का तीन एंड डी का एक। तो देखिए ए का दो, बी का चार, सी का तीन एंड डी का एक, यानी आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड, बारदोली सत्याग्रह, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, भारतीय किसान विद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बंगाल प्रजा पार्टी, फजलुल हक, बकासत संघर्ष, एन जी रंगा। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भारतीय किसान विद्यालय में एन जी रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी के फजलुल हक एंड बकासत संघर्ष के स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। यानी यहाँ पर भी क्या है दोस्तों? ए का दो है, बी का चार है, सी का तीन है एंड डी का एक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए दोस्तों? ए का दो, बी का चार, सी का तीन एंड डी का एक। तो दोस्तों आपका जो बी वाला ऑप्शन है परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन इंद्रसेन, सेकंड ऑप्शन एम एन राय, थर्ड ऑप्शन सोमेंद्रनाथ टैगोर एंड फोर्थ ऑप्शन सचिंद्रनाथ सन्याल। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एम एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की। फर्स्ट ऑप्शन एम एन जोशी ने, सेकंड ऑप्शन वी पी वाडिया ने, थर्ड ऑप्शन वी वी गिरी ने एंड फोर्थ ऑप्शन एस ए डांगे ने। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वी पी वाडिया ने प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा उससे संबंध था। फर्स्ट ऑप्शन उदयगिरी, सेकंड ऑप्शन रायपुर, थर्ड ऑप्शन पोचमपल्ली एंड फोर्थ ऑप्शन वेंकटगिरी। तो दोस्तों भूदान आंदोलन के प्रारंभ में कौन सा स्थान संबंधित था उससे? पोचमपल्ली। आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश राज्य में, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश राज्य में, थर्ड ऑप्शन आंध्र प्रदेश राज्य में एंड फोर्थ ऑप्शन हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन चंपारण, सेकंड ऑप्शन रांची, थर्ड ऑप्शन बलिया एंड फोर्थ ऑप्शन अलीपुर। तो दोस्तों बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है वो रांची था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्र के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन माओजी, सेकंड ऑप्शन गोविंद गिरी, थर्ड ऑप्शन सुरमल दास एंड फोर्थ ऑप्शन मोतीलाल तेजावत। हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भील में सामाजिक सुधारों का लसोड़िया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों लसोड़िया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, देखिए आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। लसोड़िया आंदोलन के नेतृत्व दोस्तों गोविंद गिरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश एवं बिहार में, थर्ड ऑप्शन है बिहार एवं बंगाल में एंड फोर्थ ऑप्शन बंगाल एवं महाराष्ट्र में। तो दोस्तों अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जगह कौन सी थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? वह जगह कौन सी थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन आपका है दोस्तों इलाहाबाद, सेकंड ऑप्शन कलकत्ता, थर्ड ऑप्शन लखनऊ एंड फोर्थ ऑप्शन पटना। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, फर्स्ट ऑप्शन 1939 से 45, सेकंड ऑप्शन 1926 से 39, थर्ड ऑप्शन 1918 से 26 एंड फोर्थ ऑप्शन 1919 से 18। तो दोस्तों ट्रेड यूनियन के आंदोलन का क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 39 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? फर्स्ट ऑप्शन अवध, सेकंड ऑप्शन बिहार, थर्ड ऑप्शन बंगाल एंड फोर्थ ऑप्शन आंध्र। तो दोस्तों बाबा रामचंद्र ने किसानों को अवध में संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक आंदोलन चलाया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका है दोस्तों छत्रपति साहू जी महाराज ने, सेकेंड ऑप्शन बी आर अम्बेडकर ने, थर्ड ऑप्शन ज्योतिबा राव फूले ने एंड फोर्थ ऑप्शन टी एन नायर ने। तो दोस्तों सत्यशोधक जो आंदोलन है वो ज्योतिबा राव फूले ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड ऑप्शन एम एन जोशी एंड फोर्थ ऑप्शन जे बी कृपलानी। तो दोस्तों अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों का उनको उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, पावना कृषक विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। तो दोस्तों कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? त्रिपुराल में हुआ था। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? पावना विद्रोह आपका दोस्तों बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था पावना विद्रोह? आपका बंगाल में हुआ था। एंड बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? बिरसा मुंडा जो विद्रोह है वो आपका बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? बिहार में हुआ था। यानी ए का क्या है दोस्तों? ए का 4 है। बी का क्या है? बी का आपका 1 है। सी का क्या है? 2 है। एंड डी का 3 है। यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। आपको कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों? अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। तो आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है दोस्तों परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। फर्स्ट ऑप्शन सर जमशेद जी, सेकंड ऑप्शन सर रुस्तम बहराम जी, थर्ड ऑप्शन नवल जी टाटा एंड फोर्थ ऑप्शन बहराम जी एम मालाबारी। तो दोस्तों 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फर्स्ट ऑप्शन फिरोज शाह मेहता ने, सेकंड ऑप्शन डी वी गिरी ने, थर्ड ऑप्शन लाला लाजपत राय ने एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है दोस्तों एम एन राव ने। यहाँ पे वी होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? वी वी गिरी ने। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन को कांग्रेस ने बंबई में इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? फर्स्ट ऑप्शन खेड़ा सत्याग्रह में, सेकंड ऑप्शन बारदोली सत्याग्रह में, थर्ड ऑप्शन नमक सत्याग्रह में एंड फोर्थ ऑप्शन व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस संगठन के बड़ी क्षमता के लिए दी थी? तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोहों के लिए निम्नलिखित में कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया कराया? फर्स्ट ऑप्शन भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों का कर लगाया जाना, सेकंड जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, थर्ड ऑप्शन जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, फोर्थ ऑप्शन जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने, सेकंड ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव ने, थर्ड ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने एंड फोर्थ ऑप्शन यूसुफ मेहर अली ने। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा 1929 में नागपुर पे संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था, फर्स्ट ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सेकंड ऑप्शन महात्मा गांधी ने, थर्ड ऑप्शन विट्ठल भाई पटेल ने एंड फोर्थ ऑप्शन महादेव देसाई ने। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसके नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? फर्स्ट ऑप्शन जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, सेकंड ऑप्शन भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। तो दोस्तों बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग का थी, इनकी मांग थी दोस्तों जमींदारी की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े रहे? फर्स्ट ऑप्शन स्वामी विद्यानंद, सेकंड ऑप्शन स्वामी सहजानंद, थर्ड ऑप्शन बाबा रामानंद एंड फोर्थ ऑप्शन सरदार पटेल। तो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से कौन सक्रिय रूप से जुड़ा रहा? दोस्तों स्वामी सहजानंद, आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे? फर्स्ट ऑप्शन अलूरी सीताराम राजू, सेकंड ऑप्शन जोड़ा नांग, थर्ड ऑप्शन झाबकर बापा एंड फोर्थ ऑप्शन रानी गायक दिन लियू। तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जोड़ा नांग, आपका महात्मा गांधी के विचारों से कौन प्रभावित हुआ था? जोड़ा नांग प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1897 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह एंड कोल विद्रोह। इसको हमें क्या कहते हैं? घटनाक्रम के अनुसार सजाना है। ऑप्शन देख लीजिए, 1, 3, 2, 5, 4, सेकेंड ऑप्शन 2, 3, 1, 5, 4, थर्ड ऑप्शन है 4, 1, 3, 2, 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 3, 1, 2, 4, 5। तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ, फिर वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ, फिर कच्छ का विद्रोह हुआ, देन आपका कोल विद्रोह हुआ, सबसे लास्ट में संथाल विद्रोह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन भारतीय बोल्शेविक दल, सेकंड ऑप्शन क्रांतिकारी साम्यवादी दल, थर्ड ऑप्शन बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल एंड फोर्थ ऑप्शन अतिवादी लोकतांत्रिक दल। तो दोस्तों सोमेंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी संस्था स्थापित की थी? क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाली पद्धति संबंधित थी, हाली पद्धति संबंधित थी। फर्स्ट ऑप्शन बंधुआ मजदूर से, सेकंड ऑप्शन किसानों के शोषण से, थर्ड ऑप्शन छुआछूत से एंड फोर्थ ऑप्शन अशिक्षा से। तो दोस्तों हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फराजी कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन हाजी सरू सरी अतुल्लाह के अनुयायी, सेकंड ऑप्शन दादू के अनुयायी, थर्ड ऑप्शन आर्य समाज के अनुयायी एंड फोर्थ ऑप्शन मुस्लिम लीग के अनुयायी। हमसे पूछा जा रहा है कि फराजी कौन थे। तो दोस्तों फराजी जो है वो हाजी सरी अतुल्लाह के अनुयायी थे। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन बुल्ले शाह, सेकंड ऑप्शन करम शाह, थर्ड ऑप्शन युजवेंद्र सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन स्वामी सहजानंद। तो दोस्तों पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु के ठीक पहले बहुत कम उम्र में। देखिए यहाँ पे थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड ऑप्शन है 1930 के दशक में। क्या है दोस्तों? 1930 के दशक में। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन है आपका 1920 के दशक में। क्या है दोस्तों? 1920 के दशक में। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमसे कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था उनकी मृत्यु के ठीक पहले। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। फर्स्ट ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव, सेकंड ऑप्शन स्वामी सहजानंद सरस्वती, थर्ड ऑप्शन बंकिम चंद्र मुखर्जी एंड फोर्थ ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह, केरल कूका विद्रोह, पंजाब पावाना विद्रोह, बंगाल एंड चुआर विद्रोह, मध्य प्रदेश। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपका जो डी वाला है ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन सूरत, सेकेंड ऑप्शन पूना, थर्ड ऑप्शन कालीकट एंड फोर्थ ऑप्शन बड़ौदरा। तो दोस्तों बघेरा जो विद्रोह है वो बड़ौदरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन पश्चिमी भारत, सेकंड ऑप्शन पूर्वी घाट, थर्ड ऑप्शन पूर्वी भारत एंड फोर्थ ऑप्शन पश्चिमी घाट। तो दोस्तों रामोसी विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज ने क्या किया? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन विद्रोह है, फर्स्ट एक तरफ विद्रोह है एंड एक तरफ वर्ष है। पवाना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1894 एंड कोल विद्रोह 1831 से 1832। तो दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं हुआ था। बाकी आपकी तीनों परफेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया। M.N. लोखांडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो एंड फोर्थ, ना तो एक ना ही दो। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, केवल आपका दूसरा कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह और एक तरफ वर्ष है। संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831, खासी विद्रोह 1829, अहोम विद्रोह 1815। तो दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका यहाँ पे जो परफेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा डी वाला, अहोम विद्रोह जो है वो 1815 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वांशिक गठन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में किसे भेजा गया? वीपी वाडिया, सेकंड ऑप्शन NM जोशी, थर्ड ऑप्शन CF एंड्रूज एंड फोर्थ ऑप्शन जोसेफ बैप्टिस्ट। तो दोस्तों 1919 में ILO के वांशिक गठन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में NM जोशी को भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं के शिक्षा पाने का अधिकार, सेकंड सहमति की आयु, थर्ड ऑप्शन दंपत्ति अधिकारों का प्रत्यास्थापन। तो दोस्तों ये किस पे संबंधित था हमें बताना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, सेकेंड ऑप्शन केवल दो और तीन, थर्ड ऑप्शन एक और तीन एंड फोर्थ ऑप्शन एक दो तीन। तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, यानी सहमति की आयु एंड दंपत्ति अधिकारों का प्रत्यास्थापन। यही भारतीय इतिहास के 1884 का रखमाबाई मुकदमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? फर्स्ट ऑप्शन 1857 के विद्रोह का, सेकंड ऑप्शन 1921 के मोपला विद्रोह का, थर्ड ऑप्शन 1859-60 के नील विद्रोह का, फोर्थ ऑप्शन है 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो दोस्तों उलगुलान अथवा महान उपद्रव किसे बोला जाता है? दोस्तों ये बोला जाता है 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिज विद्रोह का नेता था? फर्स्ट ऑप्शन भागीरथ, सेकंड ऑप्शन दुबई गोसाई, थर्ड ऑप्शन जत्रा भगत एंड फोर्थ ऑप्शन गंगा नारायण। तो दोस्तों भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में मदन पल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पिंगली वनकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किया, थर्ड सेकेंड ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ के आंध्र प्रदेश आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, थर्ड ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया एंड फोर्थ ऑप्शन मैडम व्लादवस्की द्वारा तथा कर्नल अलकाट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। हमसे कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जो मदन पल्ली स्थान है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये परफेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? फर्स्ट ऑप्शन राजा राम मोहन राय, सेकंड ऑप्शन M.G. रनाडे, थर्ड ऑप्शन ज्योतिबा फुले एंड फोर्थ ऑप्शन ताराबाई शिंदे। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका लास्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले संबंधित थे। फर्स्ट ऑप्शन कृषक आंदोलन से, सेकेंड ऑप्शन है श्रमिक संघ आंदोलन से, थर्ड ऑप्शन है जाति विरोधी आंदोलन से एंड फोर्थ ऑप्शन सविनय आंदोलन से। तो दोस्तों ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है? जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो निम्न जाति मजदूर और किसान आंदोलन थे ये इस टॉपिक का आज यहीं पे ख़त्म हो गया। आज हम आज का यह वीडियो इसका लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम आपके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सभी वीडियो को पूरा देखते होंगे, वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाते होंगे। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।